है गुड मॉर्निंग एवरी वन माई सेल्फ मोहित सोनी एंड यू आर प्रजेंट इन योर एट्थ स्टैंडर्ड क्लास देखिए आपकी जो क्लास एट्थ क्लास है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर का नाम है सिंथेटिक क्लोथिंग एंड मटेरियल सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें कि जो क्लास एट्थ का फर्स्ट चैप्टर है सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर्स दैन वॉट इज सिंथेटिक पॉलीमर्स सिंथेटिक मटेरियल ऑफ क्लोथ्स एंड वॉट इज पॉलीमर तो अगर हम सबसे पहले सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल के ऊपर जाएँ उससे पहले हम बात करते हैं पॉलीमर्स के बारे में कि वॉट इज पॉलीमर बिकॉज जितने भी क्लोथिंग मटेरियल हैं दैट ऑल आर मेड फ्रॉम फाइबर्स और वो फाइबर्स किसके बने हैं कौन से प्रोसेस बने हैं दैट प्रोसेस इज पॉलीमराइजेशन तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज़ पॉलीमर एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ पॉलीमर तो आज की क्लास में हम जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं दैट टॉपिक्स आर प्रेजेंट इन योर बोर्ड चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर वन उसका नाम है सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पॉलीमर देखिए बच्चों अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी चैप्टर के बारे में बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर तो इस चैप्टर के अंदर आप पॉलीमर्स के बारे में पढ़ोगे फ़ाइबर्स के बारे में पढ़ोगे फाइबर्स भी आपके नेचुरल फ़ाइबर हैं सिंथेटिक फ़ाइबर हैं नेचुरल फ़ाइबर्स कहाँ यूज़ आते हैं सिंथेटिक फ़ाइबर्स कहाँ यूज़ आते हैं बनते कैसे हैं किस किस टाइप के होते हैं उनका यूज़ कहाँ है नेचुरल फ़ाइबर अगर आए हैं तो फिर हमें सिंथेटिक फाइबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी वाई आर दे नेसेसरी दैट ऑल आर थिंग्स यू शुड बी स्टडी इन यू स्टडी इन योर एट्थ स्टैंडर्ड क्लास चैप्टर नंबर वन ओके स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉलीमर देखिए यहाँ पर जो हम टॉपिक्स uh, कवर करने वाले हैं आज की क्लास में वो सबसे पहले आपका पॉलीमर दैट वॉट इज पॉलीमर इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक इज मोनोमर्स नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट है क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स तो बच्चों देखिए कि पॉलीमर आखिर होते क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इफ यू कैन इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन दैन राइट डाउन टॉपिक्स पॉलीमर्स मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ओके एक एक टॉपिक हम लेकर चलते हैं कि आखिर पॉलीमर होते क्या हैं तो इन टॉपिक्स को मैं रफ कर देता हूँ फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं पॉलीमर देखिए बच्चों मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूं पॉलीमर is a large molecule which form by many by combination of मैनी स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल्स पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल्स तो बच्चों देखो नाम से पता चल रहा है पॉली मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दें दैट इज कॉल्ड पॉलीमर इज इट क्लियर पॉलीमर जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ एक मोती की जो माला होती है उसके अंदर जो छोटे 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 मोती जो होते हैं उससे मिलकर पूरी माला बनती है है ना तो वो जो छोटे 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 वो क्या हैं आपके स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल से जो कंबाइन होकर पूरी क्या बना रहे हैं एक पूरी माला को बना रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं पॉलीमर इसको केवल एक कंसेप्ट के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि पॉलीमर आखिर है क्या तो पॉलीमर में अगर मैं यहाँ पर पॉलीमर के वर्ड को मैं यहाँ पर डिराइव करूँ तो पॉलीमर जो है दो वर्ड से मिलकर बना है देखिए यहाँ पर पॉली प्लस मर्स पॉलीमीन्स होता है मैनी वॉट इज द मीनिंग ऑफ पॉली मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट्स तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारी यूनिट्स आपस में कम्बाइन हो जाए बहुत सारी यूनिट्स अगर आपस में कम्बाइन हो जाए देन दे फॉर्म पॉलीमर्स तो हमारे नेचुरल में हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे पॉलीमर्स आपको देखने को मिलेंगे तो वो पॉलीमर्स का मतलब क्या है कि बहुत सारी यूनिट्स अब आपस में कम्बाइन हो गई तो दैट इज नॉन एज पॉलीमर्स इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ पॉलीमर का मतलब क्या है पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल विच फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स अब वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम दैट सिंपल मॉलिक्यूल्स आर नॉन एज मोनोमर्स तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था पॉलीमर उसका सेकेंड पार्ट है कौन सा मोनोमर्स नाउ वी डिस्कस अबाउट मोनोमर्स 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 की डेफिनेशन बच्चों में यहां पर लिख रहा हूं जिसको आप भी राइट डाउन करेंगे अ सिंपल या इसी को हम बोल दें सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल विच कंबाइन विच कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर Which combine to form a simple or yeah, small molecule, which combine to form polymer by formation of different single or multiple. बोन्स तो यहाँ पर हमने क्या बोला मोनोमर क्या है मोनोमर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर आप सिंपल सा ये समझो मोनोमर क्या है मोनोमर इज अ सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट ऑफ पॉलीमर या इसी को डेफिनेशन के बेसिस पे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अ सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल विच कम्बाइन टू फॉर्म पॉलीमर यानी वो सिंपल और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो कंबाइन हो रहा है पॉलीमर बनाने के लिए बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स और जब भी ये मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे कहीं पर सिंगल बॉन्ड कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड्स अगर बनाएंगे तो उस उस यूनिट्स को उस स्मॉलेस्ट यूनिट को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं मोनोमर इज इट क्लियर नाउ तो हमारे पास पॉलीमर कंप्लीट हुआ कि पॉलीमर क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स सिंपल सा हम बोल सकते हैं पॉलीमर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स पॉलीमीन्स मैनी मोनो मर्स मीन्स यूनिट्स तो बहुत सारी यूनिट्स जब आपस में कंबाइन हो गई तो उन्होंने क्या बनाया पॉलीमर बनाया अगर मोनोमर की बात करें तो मोनोमर क्या होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर अ सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स आर नॉन एज मोनोमर्स इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलीमराइजराइजेशन तो देखो हमने पॉलीमर समझा मोनोमर समझा यह भी समझ गया समझ लिया कि uh, मोनोमर्स क्या बन रहे हैं पॉलीमर्स बन रहे हैं तो जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इन विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इन टू पॉलीमर्स द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स आर कम्बाइंड टूगेदर एंड फॉर्म पॉलीमर आप अपनी लैंग्वेज रटना नहीं है आप अपनी लैंग्वेज में इसको बना सकते हैं द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स कम्बाइंड टू फॉर्म पॉलीमर इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन तो यहां पर हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखना जाए तो देखिए पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स polymerization is the process in which monomers are combined to form combined to form polymer polymerization is the process in which monomers are combined to form पॉलीमर्स यानी पॉलीमराइजेशन क्या है वह प्रोसेस है जिनमें जिन जिनमें क्या होता है मोनोमर्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं क्या बनाने के लिए पॉलीमर्स बनाने के लिए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो यहाँ पर ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं पॉलीमर मोनोमर्स मोनोमर से मिले मोनोमर्स uh, जो हैं वो आपस में कंबाइन हुए तो क्या बना बच्चों पॉलीमर बना और जो मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाव हम अब इसको समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से नाउ इफ वी टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स यहां पर देखिए मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं पॉलीमर का जैसे फर्स्ट आप एग्जाम्पल लीजिए देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिया पी वी सी पी वी सी क्या है बच्चों एक पॉलीमर है जिसकी फुल फॉर्म क्या है पॉली विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइलिन क्लोविलाइन विनाइलिन कर लेना बच्चों इसको, पॉलीविनाइलिन क्लोराइड अब देखिए यहां पर पीवीसी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है एक पॉलीमर है अब इसका पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कैसा है? है ना तो इसकी भी मोनोमर यूनिट होगी तो यहां पर देखिए पॉली के बाद लिखा हुआ है विनाइलिन क्लोराइड तो विनाइल क्लोराइड इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों विनाइल क्लोराइड और आप याद रखेंगे कि विनाइल क्लोराइड जो है सी एच टू फार्मूला क्या होता है यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं विनाइल क्लोराइड क्लोराइड का सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एल अब ये कैसे बनते हैं वो हायर क्लासेस में आप तो भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि ये कैसे बन रहे हैं एक्चुअल में होता क्या है, है बच्चों ये होता है हाइड्रोकार्बन्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप या सब्सिट्यूशन ग्रुप ऐड हो जाते हैं जिनको एक तीन ग्रुप होते हैं एल्केन एल्किन और एल्काइंस के उनके अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है तो अभी तो आप याद रखो कि विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है सी एस टू सी एच सिंगल बॉन्ड सी एल सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एल अब यहाँ पर ये क्या है इसकी मोनोमर यूनिट है मोनोमर यूनिट क्या है विनाइल क्लोराइड अब हमने क्या बोला था देखो एक चीज और याद रखना प्रोसेस क्या है पॉलीमराइजेशन का अगर एन नंबर ऑफ यूनिट्स मोनोमर की एन नंबर ऑफ हमने क्या बोला मोनर की मोनोमर की बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर बनाती है तो मोनोमर की एन नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन हो जाए यानी बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाए तो क्या बनाएंगे जो मोनोमर यूनिट बनेगी एन नंबर की यहाँ पर एन हमने आगे लिखा है और यहाँ पर एन पीछे लिखा है तो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब यह है दैट्स मीनिंग इज दैट बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पर मोनोमर्स की बहुत लंबी चेन है तो यहाँ जो ये यह मोनोमर हमें मिला है दैट इज द पॉलीमर ये क्या है आपका पॉलीमर और इस मोनोमर यूनिट से जो पॉलीमर बना है इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं पॉलीमराई जेसन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू वापस एक बार देखिए एग्जाम्पल लिया है मैंने पॉलीमर का पी वी सी क्लोराइड जिसकी मोनोमर यूनिट है विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है सी टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड इट इज द फॉर्मूला ऑफ विनाइल क्लोराइड अब ये जो विनाइल क्लोराइड है ये क्या है पीवीसी पॉलीमर की क्या है ये मोनोमर यूनिट है क्योंकि मोनोमर यूनिट जो है रिपीट रिपीट होकर ही क्या बना रही है पॉलीमर बना रही है तो इसकी जो मोनोमर यूनिट है उसका क्या होगा पॉलीमराइजेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा पॉलीमर मिलेगा अब कैसे मिला तो यहाँ पर देखिए एन सी टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल यहाँ पर हमने क्या लिया जो मोनोमर है उसकी एन यूनिट्स ली यानी यहाँ पर हमने बहुत सारे मोनोमर्स लिए उनका क्या करवाया बच्चों पॉलीमराइजेशन करवाया देन वी फाइंड आउट सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच एंड एन अभी देखिए हमने एक डेफिनेशन मोनोमर्स की डेफिनेशन में देखा था कि जहाँ पर मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं वहां पर सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं है ना तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ से ये डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा यहां से ब्रेक होकर वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड पर तो ये इसका मतलब ये है कि बच्चों यहां पर एक लंबी चेन यहां पर वापस सी एस टू सी एच सी एस टू सी एच इनफाइनाइटली क्या होते जाएंगे कंबाइन होते जाएंगे तो ये कंबाइन होकर एक लंबी चेन बना लेंगे जिसको हम बोल रहे हैं विनाइलिन क्लोराइड तो ये जो आपका पॉलीमर बना है दैट इज नॉन एज द पी वी सी पॉली विनाइलिन क्लोराइड या इसी को पॉली विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू वापस एक बार मैं समझा देता हूँ देखिए यहाँ पर हमने लिया पी वी सी पॉली वाइनल क्लोराइड जो है पॉलीमर है है ना अभी मैं सिंथेटिक नेचुरल वगैरह की बात नहीं करूँ एज ए एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि पी वी सी इज द पी वी सी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर जिसकी मोनोमर यूनिट क्या है विनाइल क्लोराइड है विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ये इस दैट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीमर ऑफ पीवीसी तो मोनोमर यूनिट्स को अगर एन मोनोमर यूनिट्स को हम ले लें और उनका पॉलीमराइजेशन अगर होता है तो हमें क्या मिलता है पी मिलता है जो नया हमें मोनोमर मिलेगा इनफाइनाइट सीरीज में दैट इज द पॉलीमर और विस टाइप ऑफ दिस पॉलीमर इज़ पी तो यहां पर हमने सी एस टू यहाँ पर हमने सी एस टू डबल बॉन्ड ये आपका क्या है मोनोमर यूनिट है दैट इज द मोनोमर यहीं पे देखो इसी से समझ जाओ ये क्या है आपका मोनोमर है यहां पर एल लिखा है हमने यहां ने मतलब इसका मतलब क्या है मोनोमर की बहुत सारी यूनिट्स है उनका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा तो क्या बनेगा पी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको देखिए नेक्स्ट एग्जाम एग्जाम्पल लेता हूं मैं पॉली पॉलीथीन पॉलीथीन ठीक है पॉलीथीन आप लोग देखी होगी पॉलीथीन इज पॉलीथीन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ पॉलीमर अब पॉलीथीन कैसे बना है तो यहाँ पर भी पॉलीथीन जो है पॉलीमर है तो इसका मतलब इसकी क्या होगी मोनोमर होगा मोनोमर यूनिट होगी तो देखिए बच्चों ये जो पीछे वाला नाम है ना तो मोनोमर यूनिट कौन सी होगी इसका मोनोमर कौन सा हो गया एथीन क्या हो गया एथीन, इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो गई एथीन, ठीक है अब एथीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे फॉर्मूला ऑफ एथीन इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ एथीन? सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू क्लियर है अब एथीन आया कैसे तो यहाँ पर आप जब हायर क्लासेस में आ जाएंगे तो वहाँ पर एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह ये आपको सिखाए भी जाएंगे अगर लेकिन फिर भी शॉर्टली मैं बता देता हूँ देखिए साइड में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ तीन ग्रुप होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स के एल्केन एल्कीन और एल्काइन एल्केन का बेसिक फार्मूला सी एन एस टू एन प्लस टू होता है इसका सी एन एस टू एन होता है एन इसका सी एन एस टू एन माइनस टू एक बार वापस देखिए एल्केन मीन्स सी एन एस टू एन प्लस टू एल्किन मीन्स सी एन एस टू एन एल्काइन मीन्स सी एन एस टू एन माइनस टू अब यहाँ पर एन क्या है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन है यानी जितने कार्बन आप लोगे उसी के अकॉर्डिंग इनके क्या होंगी फैमिलीज बनती जाएगी एक कार्बन ले रहे हो तो उसको मैथ बोलते हैं दो कार्बन को एथ मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पैंट हैक्स सैपटॉक ऐसे चलता जाता है तो हम अगर इस पे आते हैं देखो मैंने बोला एथीन तो दो कार्बन को क्या कहा जाता है बच्चों एथ तो कार्बन को क्या कहा जाता है एथ तो यहां पर देखो इन मेंबर जो इसका मतलब क्या है दैट इज द मीनिंग एथीन जो है किस फैमिली फैमिली का ग्रुप है यहां पर तो एल्कीन बनाना है यहां पर एथीन बनाना है तो यानी हमें कार्बन कितने लेने टू अगर यहां टू कार्बन लेता हूं तो टू इन टू कितना होगा फोर सी टू एच फोर दैट्स मीन और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अभी केवल इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यही ग्रुप आया है एथीन वाला वापस ये एथीन एथिन एल्किन ग्रुप का मेंबर है सी एन एस टू एन जो है इसका बेसिक फॉर्मूला है सी एन एस टू एन में एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन तो नंबर ऑफ कार्बन अगर वन है तो उसको मैथ लिखा जाता है टू है तो एथ लिखा जाता है थ्री है तो उसको प्रॉप लिखा जाता है मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हैक्स सेप्ट ऑक्ट नॉन ऐसे लिखे जाते हैं तो यहां पर दो कार्बन है तो यहां पर हमने टू को लिखा तो सी टू एच टू एन की जगह यहां पर टू लिखा हमने तो सी टू एच फोर हो गया अब यहां पर आप याद रखोगे अगर एल्केन्स आते हैं तो उनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड एल्किन आया है तो एल्किन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एल्काइन आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड सिंगल डबल एंड ट्रिपल तो इस ग्रुप के मेंबर्स की हम बात हमें एथिन चाहिए वो बता रहा हूँ एथिन आया कैसे तो ऐथीन कैसे आया यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन हमने टू लिए हाइड्रोजन टू लिया है यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई किया है बिकॉज एन इज़ द नंबर ऑफ कार्बन तो एन की जो वैल्यू होगी वही यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ होगी तो सी टू एच फोर अब सी टू एच फोर मैंने बोला आपके कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा ठीक है तो यहाँ पर कार्बन दो है तो इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे टू हाइड्रोजन यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे टू हाइड्रोजन तो ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एथीन इज इट क्लियर वापस एक बार देखिए अब यहाँ पर दो कार्बन ही क्यों आए क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है बच्चों कार्बन जो है वो हमेशा चार बॉन्ड ही बनाता है या तो क्या करेगा कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बना लेगा या कार्बन क्या करेगा दो डबल बॉन्ड बना लेगा या कार्बन क्या करेगा एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा और एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा कार्बन की प्रॉपर्टी है कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट कार्बन जो है टेट्रा वैलेंट होता है इसके आउटर मोशेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो चार इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि वो चार तरह से बॉन्ड बना चारों चार बॉन्ड बना सकता है अब चार बॉन्ड कैसे बना सकता है या तो वो चारों सिंगल बॉन्ड बनाए या क्या करे वो दो डबल बॉन्ड बना ले क्योंकि वन टू थ्री और फोर फोर हो गए या क्या करे वो एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक ऐसा बना ले सिंगल बॉन्ड बना ले है ना तो ये सिंगल बॉन्ड जिसमें बनाएगा वो तो सारे ग्रुप के मेंबर कौन से होंगे एल्केन वाले डबल बॉन्ड बनाएगा इट्स मीन एल्किन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा इट्स मीन एल्काइन इज इट क्लियर वापस देखिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा मैंने ये बोला अभी डीप में जाने की जरूरत नहीं है मैंने ये बोला जो आपके ग्रुप हैं हाइड्रोकार्बन्स के वो तीन होते हैं एल्केन एल्किन और एल्काइन एल्केन मींस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्किन मींस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एल्काइन मींस कार्बन कार्बन के जो बीच में होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा इसका फॉर्मूला सी एन एस टू एन प्लस टू फॉर्मूला सी एन एस टू एन इसका फॉर्मूला सी एन एस टू एन माइनस टू एन इज द नंबर ऑफ कार्बन अब मैंने बोला नंबर ऑफ कार्बन है तो वन कार्बन को हम बोलेंगे मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हैक्स ठीक है यहां पर लिख देता हूं मैं वन कार्बन मैथ टू कार्बन एथ थ्री कार्बन प्रॉप फोर कार्बन ब्यूट फाइव कार्बन पेंट सिक्स कार्बन हैक्स ठीक है ऐसे ही आगे चलता रहेगा तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए एथिन चाहिए तो यहाँ मैं बच्चों बता रहा हूँ एथिन का फॉर्मूला ये आया कैसे अब इन आ रहा है इसका मतलब इस ग्रुप का मेंबर है अब यहाँ पर क्या है एथिन एथिन दो आ, कार्बन कितने होंगे टू कार्बन होंगे तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हुए एन की वैल्यू कितनी हुई टू हुई तो यहाँ टू वैल्यू रखे हैं हमारे पास फॉर्मूला आ गया सी टू एच फोर अब सी टू एच फोर के अंदर क्या है कार्बन कार्बन के बीच में हमें पता है डबल बॉन्ड आना है तो डबल बॉन्ड लगा दिया और कार्बन की वैलेंसी चार होती है तो यहाँ पर देखिए वन टू इस वाले कार्बन को अगर मैं छुपा दूँ तो वन टू थ्री और फोर इसके पास दो खाली रहे बॉन्ड तो दोनों पे कौन आ गए हाइड्रोजन आ गए सिमिलरली इस वाले पे भी कितने खाली रहे बॉन्ड दो बॉन्ड खाली रहे तो यहाँ पर क्या आ गए हाइड्रोजन आ गए अब यहां पर क्या बना ये इसको कंबाइन करके लिख लिया सी एस टू डबल मोड सी दैट इज द एथीन ये आपका क्या है एथीन यही बहुत सारे एथीन आपस में जब मिल जाते हैं जुड़ जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं पॉलीथीन का पॉलीथीन पॉलीथीन इज द पॉलीमर पॉलीथीन जो है आपका क्या है बच्चों पॉलीमर है अब इसका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस देख लेते हैं इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू से यस यस ओके अब देखिए हमने कहा कि मोनोमर जो है मोनोमर कौन सा है एथीन है एथिन का फॉर्मूला क्या है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू तो अभी हमने लिखा था बच्चों एन यूनिट्स अगर मोनोमर की मोनोमर की एन यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करे कौन सा प्रोसेस पॉलीमराइजेशन तो हमें मिलेगा मोनोमर नेक्स्ट जो मोनोमर मिलेगा इसकी इनफाइनाइट नंबर की यूनिट्स मिलेगी हमें सीरीज मिलेगी पूरी जो हमारा क्या होगा नया क्या होगा पॉलीमर होगा ये हमने लिखा था अब यहां पर हमने क्या देखा एथीन एथीन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन इसकी कितनी यूनिट होंगी एन यूनिट्स होंगी ये क्या बनेगा आपका एथीन बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगी कौन से प्रोसेस से पॉलीमराइजेशन से ठीक है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से यहाँ पर कंबाइन होगी तो ये जो नया पॉलीमर बनेगा दैट इज योर पॉलीथीन फॉर्मूले में लिख दो एन यूनिट्स किसकी सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू की इसका क्या हुआ पॉलिमराइजेशन पॉलिमराइजेशन हुआ अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड जो है टूट जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में तो यहाँ पर क्या होगा कार्बन सी एस टू सिंगल बोंड सी एस टू एंड सो ऑन इसी तरह आगे चलता जाएगा तो यहाँ पर हमने डैश डैश ना लगा के इसके ब्रैकेट को क्लोज करके हम यहाँ पर एन लिख देंगे जिससे क्या पता चल जाएगा यहां पर बहुत सारे पॉलीमर्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं पॉलीमर बना रहे हैं और उस पॉलीमर का क्या नाम है क्या नाम है उसका पॉलीथीन हो गया पॉलीथीन एन दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन तो यहां पर पॉलीमर बना कैसे है उसके पॉलीमर क्या है पहले सबसे पहले पॉलीमर क्या होता है उसके बारे में हमने देखा मोनोमर क्या होता हैं उनके बारे में देखा क्लियर है यहाँ तक उसके बाद पॉलीमराइजेशन क्या होता है उसके बारे में हमने देखा पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है हमने ये देखा तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा था किसका पीवीसी का पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड का सेकंड पॉलीथीन का तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में जो मोनोमर यूनिट है वो कौन सी है आपकी बच्चों विनाइल क्लोराइड और यहाँ पर पॉलीथीन पॉलीथीन की जो मोनोमर यूनिट है स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी है आपकी एथीन है एथीन कैसे बनता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हाइड्रोकार्बन्स जो तीन टाइप के होते हैं एल्केन एल्किन एल्काइन उनसे हमने क्या लिया एथीन लिया तो एथीन की बहुत सारी यूनिट्स सा आपस में जुड़ जाएँ मोनोमर्स यूनिट आपस में रिपीट हो जाएँ जुड़ने का मतलब आपस में रिपीटेड होती हैं तो रिपीट हो जाए तो क्या बनेगा पॉलीमर बनेगा पॉलीमर उस पॉलीमर का क्या नाम होगा पॉलीथीन होगा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पॉलीमर्स अब देखिए पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें देखिए बच्चों आप हायर क्लासेस में जब आपको जाओगे तो पॉलीमर्स के बहुत बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कोर्स अकॉर्डिंग टू योर सेलेबस वी डिस्कस अबाउट ओनली अकरेंस मतलब जो नेच पॉलीमर्स हैं उनका सोर्स क्या है वो कहाँ से आए उस बेसिस पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी अब वो सोर्स क्या क्या है मतलब कैसे अवेलेबल है वो नेचर के अंदर उस बेसिस पे जो पॉलिमर्स को क्लासीफाई किया गया है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिमर्स First is natural polymer, first is natural polymer, second is synthetic polymer, and third is semi synthetic. पॉलीमर तो सोर्स ऑफ अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को तो हमने तीन टाइप से इसको क्लासीफाई कर दिया नेचुरल पॉलीमर्स सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स तो एक एक के ऊपर हम बात करते हैं एक एक का टॉपिक लेकर चलते हैं जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें किसकी नेचुरल पॉलीमर्स की तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले इसकी पॉलीमर्स विच आर नाम से पता है जो पॉलीमर हमें नेचुरली मिलेंगे नेचर से मिलेंगे दैट इज नॉन एज नेचुरल पॉलीमर पॉलीमर्स विच आर ऑपटेंड फ्रॉम पॉलीमर्स विच आर ऑपटेंड फ्रॉम नेचर Nature means mostly from plants and animals, mostly from plants and polymers, uh, plants and animals. Polymers which are obtained from nature, mostly from plants and animals, are known as. आर नॉन एज यहां लिख देता हूं मैं नेचुरल पॉलीमर आर नॉन एज नेचुरल पॉलीमर यानी ऐसे पॉलीमर जो हमें नेचर से मिलेंगे स्पेशली प्लांट्स और एनिमल से दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नॉन एज नेचुरल पॉलीमर्स एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल्स लाइक सेलुलोज स्टार्च न्यूक्लियर एसिड्स और आप एग्जाम्पल ले लो प्रोटीन्स एटसेट्रा दीज पॉलीमर्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम नेचर तो ये जितने भी आपके सेल्युल न्यूक्लियर एसिड्स प्रोटीन्स ये सारे जो आपके पॉलीमर्स हैं वो हमें के कहाँ से मिलते हैं नेचर से इज इट क्लियर तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले सोर्सेज uh, की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो पॉलीमर्स हैं वो तीन टाइप के हैं नेचुरल पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर अगर हम बात करें नेचुरल पॉलीमर्स की तो नेचुरल मीन्स नेचर से जो मिल रहे हैं वो तो पॉलीमर्स विच आर ऑप्टेंड फ्रॉम नेचर मोस्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉन एज नेचुरल पॉलीमर्स एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स आर सेलोज स्टार्च प्रोटीन्स न्यूक्लियर एसिड्स दीज ऑल आर नेचुरल पॉलीमर्स इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट है आपका कौन सा बच्चों सिंथेटिक पॉलीमर सेकेंड आपका है कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर्स अब देखिए सिंथेटिक पॉलीमर्स तो बच्चों ऐसे पॉलीमर्स जिनको लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है जो मैन में मेड होते हैं जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है दैट पॉलीमर्स आर नॉन एज सिंथेटिक पॉलीमर तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम पॉलीमर्स Which are obtained by laboratories or man made is known as. सिंथेटिक पॉलीमर पॉलीमर्स विच आर ऑप्टेंड बाई लेबोरेटरीज और मैन मेड जो लेबोरेटरी से मिल जाते हैं हमें जो मैन मेड होते हैं यानी उन्हें इंसान खुद बनाते हैं दीज पॉलीमर्स आर नॉन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स इज इट क्लियर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए लाइक नाइलॉन सिक्स, पॉलिथीन जो अभी हमने देखा था पीवीसी, एटसेट्रा दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स ये किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके सिंथेटिक पॉलीमर के इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स अब देखिए बच्चों सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहाँ से मिलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हैं जो वो नेचर देखिए यहाँ पर लिखा है नेचुरल पॉलीमर जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं हमारे उन्हीं में अगर केमिकली मॉडिफिकेशन कर दिया जाए केमिकली मॉडिफिकेशन का मतलब समझ रहे हैं आप लाइक मैं बात करूँ देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो आ, हमें नेचर से मिल रहा है मैंगो आम मिल रहा है हमें ठीक है अब उन उसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दिया जैसे हमें जो मैंगो मिल रहा है मैंगो का हम क्या बना रहे हैं मैंगो जूस बना रहे हैं घल कर मैंगो जो हमें मिल रहा है उसका हम क्या कर रहे हैं मैंगो जूस बना रहे हैं तो वो जो मैंगो है उसको हमने क्या कर दिया मॉडिफाइड कर दिया और हमें क्या मिल गया मैंगो जूस बात आ रही है समझ में तो मैंगो से जो मैंगो जूस बना है दैट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैंगो तो इसी तरह जो नेचर नेचुरली जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उन्हीं को अगर केमिकली मॉडिफाइड कर दिया जाए उनको अगर केमिकली मॉडिफिकेशन कर दिया जाए उनका तो जो पॉलीमर्स हमें मिलते हैं दैट इज नॉन एज द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स इज इट क्लियर यस यहाँ पर देखिए अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सेमी सिंथेटिक Polymers are chemically modified form of natural polymer. Semi synthetic polymers are chemically modified form of. नेचुरल पॉलीमर्स यानी जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं उनकी केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म क्या है आपकी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स है एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल्स में देखिए जैसे हमने यहां पर लिया था नेचुरल पॉलीमर में सेलुलोज हमने एग्जाम्पल लिया था तो सेलुलोज का ही अगर मॉडिफिकेशन कर दे तो हमें मिल जाएगा सेलुलोज नाइट्रेट सेलुलोज नाइट्रेट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इसी तरह आपके नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल और होता है नेचुरल रबर जिसको बोलते हैं उसी को अगर मॉडिफाइड कर दे तो यहां पर हमें एक फॉर्म मिलेगी रबड़ की वेल्कोनाइज रबर दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ और भी सारे एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे सैल्योज नाइट्रेट सेल्यूरोज एसिटेट एक और लिख लीजिए आप सैल्यूलोज एसीटेट एटसेट्रा तो यहाँ पर सेल्यूलोज का जो है केमिकली मॉडिफिकेशन करके हमें ये मिल रहे हैं इसी तरह रबर का जो है केमिकली मॉडिफिकेशन करके वेल्क यहाँ पर वेल्कोनाइज जो है रबर मिल रहा है हमें दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एक बार मैं वापस रिपीटेशन करवा देता हूँ देखिए हमने स्टार्ट किया था पॉलीमर से हमारा चैप्टर का नाम था सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल्स एंड पॉलीमर्स अब वहाँ पर हमने पॉलीमर से क्यों स्टार्टिंग करी क्योंकि आगे जब आप फैब्रिक्स फाइबर्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ही बनती है है ना तो वहाँ पर क्या हो रही है बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर नई चीज़ बना रही है अलग अलग टाइप के फ़ैब्रिक्स बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना जरूरी था बच्चों पॉलीमर के बारे में तो सबसे पहले हमने पॉलीमर को जाना व्हाट इज़ पॉलीमर एंड व्हाट इज़ मोनोमर्स मोनोमर्स क्या होते हैं ठीक है पॉलीमराइजेशन क्या होता है पॉली Poly पॉलीमराइजेशन होता कैसे है जो हमने पीवीसी और पॉलीथीन के एग्जांपल्स लिए उनमें हमने देखा ठीक है इसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स क्या है कि पॉलीमर्स को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं तो पॉलीमर्स को क्लासीफाई करने का जो आपके सेलेबस के अंदर है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अव अवेबिलिटी तो सोर्स जो है वो क्या है उसका तो उसके सोर्स के अकॉर्डिंग तीन टाइप के हैं आपका नेचुरल पॉलीमर्स सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है एंड दैट इज़ योर होमवर्क क्या आप इसको क्या करेंगे रिवाइज करेंगे इज़ इट क्लियर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम अब जो टॉपिक उठाएंगे वो होगा आपका फाइबर से रिलेटेड फाइबर्स फैब्रिक्स वगैरह ओके थैंक यू क्लास हैव अ नाइस डे